वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशो अकेडमी। आज हम क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व में राजनीति का चैप्टर थर्ड शुरू करने जा रहे हैं, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये इस वीडियो का पार्ट वन है। शुरू करते हैं इसे टॉपिक से आज के। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है खाड़ी युद्ध। खाड़ी युद्ध को और किस नामों से जाना जाता है? इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है, टीवी युद्ध भी कहा जाता है, वीडियो वॉर गेम भी कहा जाता है, ठीक है। इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। इस युद्ध की कहानी क्या है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, ये कुवैत का मैप है और ये इराक का। एक मिनट, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ। ये कुवैत का मैप है और ये इराक का और ये यूएसए का। हुआ क्या था, इराक और कुवैत नेबरिंग कंट्रीज है, एक दूसरे के पड़ोसी है। इराक ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया था और उसके संसाधनों का, मतलब तेल का, बहुत बड़े स्तर पर ख़त्म कर दिया था। इस बात से यूएसए नाराज़ हो गया था, क्योंकि जो यूएसए है, यूएसए के अच्छे संबंध है किसके साथ? कुवैत के साथ। 1991 की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूएसए कुवैत की तरफ से लड़ाई लड़ता है और इराक को इस युद्ध में हरा देता है। यूएसए इस युद्ध के लिए किसी तरह की कोई परमिशन नहीं लेता यूएन के अंदर। यूएसए अपनी मर्जी से ही इराक पर हमला करता है और इराक के जो भी तेल भंडार थे उसे जितना हो सकता है उतने बड़ी मात्रा में रेस्क्यू करता है, और बाकी बचे हुए को कहा जाता है कि उस तेल के कुएं में अमेरिका आग लगा देता है, ठीक है। तो ये था 1991 का खाड़ी युद्ध, ठीक है। इसे देखते हैं। खाड़ी युद्ध का जो नेतृत्व था वो अमेरिकी जनरल नॉर्मन स्वार्जकॉर्ड ने किया था, क्योंकि एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हम ऑलमोस्ट छोड़ देते हैं, किताबों में से ध्यान से देखते नहीं है। इस युद्ध के अंदर 660,000 की सेना थी, जिसमें से अमेरिकी सेना 75% थी, और इस युद्ध के अंदर टोटल 34 देशों को शामिल किया गया था। बट अमेरिका द्वारा यूएन से कोई परमिशन नहीं ली गई थी। यूएन के जो अन्य देश हैं उन्होंने ये भी माना कि अमेरिका ने इसे केवल अपनी शक्ति को दिखाने के लिए किया था, हालांकि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सरासर गलत है। अमेरिका के सैन्य अभियान देखते हैं। जैसे हमने पहला देखा खाड़ी युद्ध, सैन्य अभियान ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे उस समय? जॉर्ज बुश सीनियर थे। 1991 में हुआ था, जिसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। यहाँ पे खाड़ी युद्ध, खाड़ी युद्ध को इंग्लिश में डेजर्ट स्टॉर्म कहते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है। तो मैंने आपको इसे बताया था 34 कंट्रीज थी। इस युद्ध को और किन नामों से जाना जाता है? खाड़ी युद्ध, कंप्यूटर युद्ध, वीडियो वॉर गेम, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा वीडियो वॉर गेम क्या होता है, खाड़ी युद्ध क्या होता है, तो सेम ही चीज़ है, बस नाम बदल दिया गया है। अच्छा, इस हमले का परिणाम क्या आया, कॉन्सिक्वेंसेस? इस हमले का परिणाम था कि कुवैत मुक्त हो गया इराक के हाथों से, ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने इराक पे हमला किया और कुवैत को आज़ादी दिलवा दी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, अमेरिका ने कुछ इस तरह का हाल किया था इराक का। देखो कितनी बड़ी मात्रा में अमेरिका के, देखो सैनिक, जैसे कि आपको पता होगा अमेरिका की जो सेना है वन ऑफ द बेस्ट है, जो उनकी आर्मी है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे उन पर मॉडर्न वेपन्स हैं। तो उन्होंने कुछ इस तरह से इराक का हाल कर दिया था कि इराक के आने वाले बहुत सालों तक उनकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हो गई थी। सेकेंड ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ठीक है। ये जो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच है, ये बिल क्लिंटन, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के टाइम पे चलाया गया था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के टाइम पे कोई भी बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, जो ऑलमोस्ट थे, छोटे थे, बट उनमें जो सबसे बड़ा था, जो हमारे एग्जाम में आता है, जो हमारी बुक में कवर है, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। 1998 में क्या हुआ था, अमेरिका के दो दूतावास, एक नैरोबी केन्या में, एक दार एस सलाम तंजानिया में, यहाँ पे अलकायदा ने आतंकवादी हमला कर दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, अमेरिका की जो सेंटिमेंट थे, फीलिंग थी, वो हर्ट हो गई थी। देखो दूतावास क्या होता है, जिसे आप एम्बेसी कहते हो, दूतावास होता है जब भी आप किसी ए कंट्री से बी कंट्री में जाते हो ना, ट्रैवल करते हो, तो आपको ए कंट्री से बी कंट्री का वीज़ा लेना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप इंडिया से अमेरिका जाओगे, तो जो इंडिया वाले उन्हें इंडिया के अंदर ही जो अमेरिका की एम्बेसी होगी उससे पहले वीज़ा लेना पड़ेगा, उसके बाद वो अमेरिका जा सकते हैं। तो ये एम्बेसी थी जिसके ऊपर अलकायदा ने हमला किया था, जिसके बदले में अमेरिका ने मुँह तोड़ जवाब दिया, और उस ऑपरेशन का नाम क्या था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। और इस समय अमेरिका ने क्रूज मिसाइलों का प्रयोग किया था। क्रूज मिसाइलें क्या होती है, जैसे मिसाइलें दो तरह की होती है, एक आपने देखा होगा ऐसे करके जाती है मिसाइल, जिसे आप बैलिस्टिक मिसाइल कहते हो, और एक मिसाइल होती है जो सीधा जाती है, ठीक है। तो क्रूज मिसाइल जो होती है वो सीधा जाती है, बैलिस्टिक ऐसे घूम के जाती है, ठीक है। तीसरा अभियान क्या था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है,
टाइम पीरियड क्या था, 2001 का टाइम पीरियड था। ठीक है, इस हमले को शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा वर्ल्ड में जिसे ये नहीं याद होगा कि 9/11 का आतंकवादी हमला। तो ये 9/11 के हमले से जाना जाता है, 9/11 का हमला जो अमेरिका में हुआ था। तो पहले एक छोटी सी चीज़ बता दूँ मैं, 9/11 देखो, 9/11 का मतलब है यहाँ पे 11/9, यानी 11 तारीख नौवा महीना। ठीक है, हम यहाँ पे 11 सितंबर की बात कर रहे हैं। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में महीने को पहले और तारीख को बाद में लिखा जाता है। तो आप ये मत बोलना कि ये 9 नवंबर है, एक्चुअली 11 सितंबर है। ठीक है, याद रखना, अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि 9/11 से क्या अभिप्राय है, तो 9/11 से अभिप्राय अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े आतंकवादी हमले से है, अमेरिका में महीने को पहले और तारीख को बाद में लिखा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम ढंग से डिस्कस करते हैं। 9/11 की घटना क्या थी, अलकायदा के और तालिबान के कुछ आतंकवादी थे, ठीक है, जिन्होंने अमेरिका के अंदर अमेरिका के बूस्टन हवाई अड्डे से 4 प्लेन्स को हाईजैक कर लिया था। ठीक है, उन प्लेन को हाईजैक करके वो कहाँ लेके जाने वाले थे, या पहले आपको मैं ईमेल से दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ढंग से बताऊँगा। ठीक है, इस हमले का परिणाम क्या हुआ कि तालिबान की समाप्ति होगी और अलकायदा कमज़ोर पड़ गया। ठीक है, पहले हम इसे डिस्कस करते हैं। देखो, पहला जो 4 प्लेन थे टोटल, 4 में से जो 2 थे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जैसे आपको पता होगा जो WTC है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका का, जहाँ से पूरा व्यापार होता है, वर्ल्ड का पूरा व्यापार होता है, 2 अमेरिका के इस टावर पर टकराए गए। ठीक है, प्लेन, और ये पूरी, मतलब आप कह सकते हो कम्प्लीटली डिमोलिश हो गया, ख़त्म हो गया। इसकी वीडियो ना, अगर YouTube पे कोई अच्छी वीडियो अवेलेबल होगी तो मैं आपको ग्रुप में भी डिस्कशन एज अ लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप देख लेना। तो 2 प्लेन इन्होंने क्या करे, WTC से टकराए और WTC को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तीसरे प्लेन से इनका दूसरा टारगेट क्या था, वो था पेंटागॉन। पेंटागॉन क्या था, देखो अमेरिका के अंदर पेंटागॉन वो जगह है जहाँ पे अमेरिका अपना सारा सुरक्षा का सामान रखता है। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया है, इंडिया के अंदर कोई ना कोई ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे हथियार बनते होंगे, जहाँ पे हथियार रखे जाते होंगे सैनिकों के लिए। तो अमेरिका के अंदर ये जो हथियार थे वो पेंटागॉन मिल में रखे जाते थे। तो जो तीसरा प्लेन टकराया गया था वो पेंटागॉन मिल पर टकराया गया था और ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। ये इसकी पहले की तस्वीर है उस इंसिडेंट के, और उस इंसिडेंट के बाद की तस्वीर आप लोग देख सकते हो जाके, आपको अच्छे से गूगल पे मिल जाएंगी तस्वीरें, आप खुद देखोगे कितना बड़ा डिफरेंस था वहाँ पे। अब उनका जो फोर्थ प्लेन था वो किस जगह लेके जाने वाले थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी जहाँ पे वो लेके जाने वाले थे, वो जगह थी व्हाइट हाउस। ये आपको दिख रहा है, पूरा व्हाइट है, इसको कहते हैं व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही पूरा व्हाइट है, और ये व्हाइट हाउस वो जगह है जहाँ पे अमेरिकी प्रेसिडेंट रहते हैं, निवास करते हैं। बट क्या हुआ था, माना जाता है कि जो फोर्थ प्लेन था उसमें कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी, जिसकी वजह से वो प्लेन क्या हुआ, रस्ते में गिर गया। रस्ते में कहाँ गिर गया, पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया। ठीक है, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो जॉर्ज बुश वहाँ पे बैठे हुए थे वो बच गए। अदरवाइज सोचो, अगर वो प्लेन व्हाइट हाउस पे चला जाता तो कितना बड़ा हमला होता, क्योंकि इस आतंकवादी हमले में लगभग 3,000 लोग मारे गए थे। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दुनिया का ये सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था जहाँ पे इतने लोग मारे गए, क्योंकि जो इंडिया में 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, मैं इसे अभी डिस्कस करूँगा, इसमें लगभग 360 अराउंड पीपल मारे गए थे। ठीक है, आपने सुना होगा मुंबई के ताज होटल पे और नरीमन पॉइंट पे जो आतंकवादी हमला हुआ था 2008 में, तो इसे कोई भूल नहीं सकता। तो याद रखना, 9/11 का हमला क्या था, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। 4 प्लेनों को हाईजैक किया गया था अलकायदा तालिबान के आतंकवादियों द्वारा। ठीक है, ये लगभग 19 अपहरणकर्ता थे। इन्होंने 4 प्लेनों में से 2 प्लेन WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे लेके गए थे, 2 प्लेन, और 1 प्लेन पेंटागॉन मिल पे टकराया था, 1 प्लेन वो व्हाइट हाउस पे टकराने वाले थे, जो गलती से फेल होके पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होते होते रह गया। हालांकि 3,000 लोग मारे जाना बहुत बड़ी बात है, बट अमेरिका के प्रेसिडेंट बच गए। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, सैन्य अभियान ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था। ठीक है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ये क्या था, बहुत सिंपल सी बात है, जो 2001 में हमला हुआ था, कौन सा हमला, 9/11 वाला। 9/11 वाले हमले के लिए जो जवाब में कार्रवाई करी गई थी उसे कहते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इराकी फ्रीडम का मतलब क्या है कि हम इराक से ना आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे, और बहुत बड़े लेवल पे अमेरिका इसमें सफल भी रहा। इसका एग्जांपल आपको आगे चल के दिखा होगा कि जो सद्दाम हुसैन है, सद्दाम हुसैन का अंत हो गया, सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर थे और बहुत बड़े लेवल में इसे ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना इराक पर आक्रमण और सुरक्षा परिषद द्वारा आलोचना। देखो, हालांकि अमेरिका ने कोई परमिशन नहीं ली थी, बट फिर भी अमेरिका ने हमला किया, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो ऑलमोस्ट UN के अंदर समय समय पे ना अपने आप को वर्चस्वशाली पावरफुल दिखाने के लिए
जो रूल्स होते हैं उसे ट्रेसपास करती रहती है, उसका उल्लंघन करती रहती है। अच्छा, 9/11 की घटना, कितने लोग मारे गए? लगभग 3000। कि मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत बार एग्जाम में घूम के आ जाएगा कि 9/11 की घटना में कितने लोग मारे गए, तो हम इसे ना छोड़ देते रैंडमली, ठीक है। बट जब हम एक एक मार्क से क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे भी इसे कवर करेंगे। तो लगभग याद रखना 3000 लोग मारे गए, ठीक है। और ये सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है, ठीक है। तो अमेरिका में जो महीना होता है वो तारीख से पहले लिखा जाता है, इसलिए वहाँ पे क्या है, 9/11 का मतलब वहाँ पे 11/9, ठीक है। 11/9 मतलब क्या है, वो 11 सितंबर है, ना कि 9 नवंबर, ठीक है। इस बात को याद रखना है। चलो मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ आपके लिए कि मुंबई के ताज होटल पे 2008 में जो हमला हुआ था 26/11, ये क्या था। क्योंकि देखो हम पढ़ रहे हैं आतंकवादी हमला, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन सा आतंकवादी हमला हुआ है। हुए तो बहुत है, पाकिस्तान द्वारा समय समय पे बहुत से आतंकवादी हमले किए जाते हैं। मैं कुछ कवर कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि अगर इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप हो तो वहाँ पे आप लिख सकते हो। तो मैं इसे सबसे पहले कवर करता हूँ, 26/11/2008। आप सबके सब उस समय काफ़ी छोटे रहे होंगे, ठीक है। मुझे इसलिए याद है इंसिडेंट क्योंकि उस समय इंडिया और इंग्लैंड की वनडे सीरीज चल रही थी और इंग्लैंड सारे मैचेस हार चुका था। उस पर एक अच्छा मौका था इंग्लैंड पे और इंग्लैंड इंडिया से चला गया था, तो मुझे इसीलिए इंसिडेंट काफ़ी अच्छे से याद है, ठीक है। अच्छा, 26/11 पे हुआ क्या था, इंडिया के दो प्लेसेस, एक ताज होटल, आपको पता होगा ताज होटल कितना बड़ा होटल है मुंबई का, और नरीमन पॉइंट, जहाँ पे आपने देखा होगा रात को ऑलमोस्ट लोग घूमते रहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं मुंबई के अंदर, यहाँ पे आतंकवादी हमले होते हैं, जिसमें आपने सुना होगा कसाब नाम का एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, जिसे अभी बिफोर फ्यू ईयर्स 4 या 5 साल जहाँ तक मुझे याद है पहले फांसी हुई है, ठीक है। तो इस आतंकवादी हमले में ना ये लोग हॉस्पिटल्स में जाके और रोड पे जो भी मतलब जहाँ पे इन्हें लोग मिलते हैं वहाँ पे गोलियाँ चलाते हैं, अंदर बस स्टैंड पे बहुत से लोग मारते हैं लोग, लगभग इन्होंने 300 से 350 लोग, लगभग 360 मारे तो ऑफिशियल डाटाज के हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है। तो ये इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। इसे छोड़ के और भी आतंकवादी हमले हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इंडिया को जब आज़ादी मिली थी तब भी जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानियों द्वारा कवालियों को बेच के हमला करवाया गया था। इसको छोड़कर आपने उरी अटैक सुना होगा, ठीक है, 2016 में। इसको छोड़कर अभी रिसेंट वाला जो 14/5/2019 को हुआ था, पुलवामा अटैक, ठीक है, उसको छोड़कर आए दिन अमेरिका पाकिस्तान हमारे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल या LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफ़ी ज़्यादा तनातनी देखी जा सकती है आतंकवाद को लेकर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, देखो इस इमेज को ना मैं आपको 5 to 10 seconds ले लो, इस इमेज को एक बार देखो, आप क्या समझ आ रहा है आपको इस इमेज को देख के। देखो आप कहोगे सर ये तो अमेरिकी प्रेसिडेंट है रोनाल्ड ट्रंप, हाँ। अब देखो इनका हैंड देखो क्या कर रहे हैं, फ्रेंडशिप के लिए हैंड बढ़ा रहे हैं, और साइड में देखो यहाँ पे क्या है सर, वेपन्स है, ठीक है। तो अमेरिका एक ऐसी कंट्री है ना जो किसी से भी इसलिए फ्रेंडशिप करता है ताकि वो अपना मतलब निकाल सके, अपना मीन्स सर्व कर सके, बस अमेरिका एक ऐसी कंट्री है, ठीक है। तो नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत का मतलब क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, देखो जैसा कि हमने पोल साइंस पढ़ना इस बुक में कहाँ से शुरू करी है, हमने इस बुक में पोल साइंस पढ़ना शुरू करी है 1945 की शीत युद्ध की शुरुआत, और कहाँ तक कंटिन्यू करा हमने इसे 1991 तक, जब तक USSR ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। 1991 के बाद कौन सा नया वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई, देखो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2020। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मॉडर्न टाइम में अमेरिका ही पावरफुल है? नहीं सर, मॉडर्न टाइम में पावरफुल कंट्रीज कौन सी है, देखो रेड ड्रैगन मतलब चाइना, बहुत बढ़िया, ठीक है। जो चाइना है वो भी पावरफुल है, उसको छोड़ के रशिया तो ऑलरेडी बहुत पहले से ही पावरफुल है, ठीक है, इंडिया, जापान, तो ये वो सारी कंट्रीज है जो मॉडर्न टाइम में अपने आप को बहुत ज़्यादा सामने लेके आ रही है। और आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, देखो इंडिया और अमेरिका के संबंध पहले अच्छे नहीं थे, बट इंडिया अमेरिका अभी एक जैसे ग्रुप्स में है, जैसे आपको मैंने जय ग्रुप पढ़ाया होगा, जय पढ़ाया था, JAI, तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है, जापान, अमेरिका, इंडिया, ऐसी ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, कोऑर्डिनेटर ग्रुप है, SCO है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे इंडिया चाइना के साथ शामिल है, इंडिया पाकिस्तान के साथ शामिल है, इंडिया रशिया के साथ शामिल है। तो जो आज का वर्ल्ड है ना वो पोलरलेस है, ध्रुवविहीन है, हर किसी देश को हर किसी से मदद लेनी पड़ती है। अभी मॉडर्न एग्जांपल देखो ना, COVID-19 इशू जब हुआ तो रोनाल्ड ट्रंप हमारे यहाँ से मेडिसिन की मांग कर रहे थे, ठीक है, मास्क की मांग कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ वर्क लेवल जो वर्क फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो नई विश्व व्यवस्था है इसके अंदर एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, और ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोई कंट्री किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है।
अच्छा जो बचे हुए टॉपिक है ना हम उसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। कीप लविंग कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।